बचपन पचपन और पचानवे हर उम्र के लिए यकसा मुफीद मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। तनकीद और तबसरे का मौका हर किसी को दिया जाता है, उस रिवायत को हमने आगे भी बरकरार रखा है। सबसे पहले मैं आज के हमारे कलमकार मोहतरम अब्दुल मजीद मास्टर साहब को आवाज़ दे रहा हूँ कि बच्चों के अदब पर जो उनकी तख्लीक है वो आएँ और उसे पेश करें। कहानी का उन्वान है आधी सल्तनत का किस्सा। किसी ज़माने में बहर सहराम में सुरखाब नामी एक जज़ीरा था। वहाँ एक राजा राज करता था। कुछ दिनों से उसके जज़ीरे पर ऐसी नहुसत छाई हुई थी जिसने राजा के होश उड़ा दिए। वो अफसोस के मारे आंखें मूंद कर बैठा हुआ था और सोच रहा था। कुछ दिनों पहले मेरी सल्तनत में खुशहाली थी, लेकिन इन दिनों इसे किसी की नज़र लग गई है। खेत और जंगल उजाड़ हो गए हैं, दरख्तों के फल कड़वे कसीले हो गए हैं, चरिंद परिंद तो मर ही रहे थे, अब इंसान भी मरने लगे हैं। और आज तो गज़ब हो गया, मेरा आधा ख़जाना गायब हो गया है। इस सिलसिले में मुझे बड़े हकीम के पास जाकर मशवरा करना चाहिए। राजा खुद चलकर हकीम जी के पास गया, जो कि एक बड़े आलिम भी थे। उन्होंने सल्तनत की तबाही का राज मालूम करने के लिए 15 दिन की मोहलत मांगी। राजा बहुत परेशान था, वो 15 दिन से पहले ही उनके पास जा धमका। हकीम जी ने बतलाया कि हमारे जजीरे के जुनूब में एक वीरान जजीरा है, जहां आजकल एक बदमाश जादूगरनी आकर बस गई है। उसने अपने पूरे जजीरे को जादू नगरी बनाकर रख दिया है। उसने अपने जादू के ज़रिए ऐसी गंदगी फैलाई है। हकीम जी, जादूगरनी के जजीरे का हमारी सल्तनत की तबाही से क्या ताल्लुक है? राजा बेसब्री से बोला, लेकिन हकीम जी ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया, उधर से इधर को हवा चलती है, यानी जादूगरनी के जजीरे की गंदी हवा सीधी हमारे जजीरे पर आती है। उस हवा की गंदगी और जादू की नहुसत से हमारा जजीरा बर्बाद हुआ जा रहा है। अगर ऐसा है हकीम साहब, तो हमें इस नहुसत से निजात कैसे मिलेगी? सीधी सी बात है राजा साहब, इसके लिए जादूगरनी को मारना होगा, उसके जादू के कारखाने को तबाह करना होगा, मगर ये कोई आसान काम नहीं है, जान जोखिम का काम है। हकीम जी की बात सुनकर राजा झट से बोल उठा, मैं कल ही ऐलान करवा दूंगा कि जो कोई हमें इस जादू नगरी की नहुसत से, जादूगरी की नहुसत से निजात दिला देगा, उसे आधी सल्तनत इनाम में दी जाएगी। हकीम जी की लड़की बन फूल भी वहीं मौजूद थी। आधी सल्तनत इनाम की बात सुनी तो उसके मुंह में पानी भर आया। राजा के चले जाने के बाद वो अपने बाप से यानी हकीम जी से कहने लगी, अब्बा जान, अगर हम कोशिश करें और उस जादूगरनी का खात्मा कर दें तो आधी सल्तनत हमारी हो जाएगी। मैं बचपन से सोचती आई हूँ, काश हम भी किसी सल्तनत के हुक्मरान होते। हकीम जी ने बेटी की नादानी की बात सुनी तो टालने के लिए उन्होंने कह दिया, पहले और लोगों को कोशिश कर लेना बेटा, जब सब लोग थक हार कर बैठ जाएंगे तब हम देखेंगे। नहीं ना अबू जान, मैं तो ऐसा चाहती हूँ कि किसी और के दौड़ भाग करने से पहले हम दौड़ पड़ें। आप जितने बड़े आलिम हैं, आपकी बेटी उतनी ही हिम्मत वाली है। आप मुझे रास्ता दिखाइए, मैं जादूगरनी को मार कर दिखा दूँगी। मेरा तो दिल करता है अभी कोई मुझे बतला दे कि उसे कैसे मारना है, तो मैं अभी रवाना हो जाऊँ, मैं सल्तनत हासिल करके रहूँगी। हकीम जी सोच में पड़ गए, उन्हें बेटी के अरमानों का भी पास था। उस रात बनफूल जब सो गई तो हकीम जी रात भर जागते रहे, कभी लड़की के सरहाने बैठकर तो कभी उसकी पाइंती के पास बैठकर बहुत कुछ पढ़ते रहे और तरह तरह की दुआ मांगते रहे। इस तरह सुबह हो गई, बनफूल सोकर उठी तो हकीम जी ने उसकी हालत में बहुत कुछ फ़र्क महसूस किया, जैसे कोई शेरनी नींद से जागी है। फिर जब सब नाश्ते से फारिग हो गए तो हकीम जी ने लड़की से कहा, बनफूल बेटी, अभी तो इतना इंतज़ाम हो सका है कि जब उस जादूगरनी का और तेरा सामना होगा
तो उसका कोई जादू तुझ पर असर नहीं करेगा और वो तेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। अब्बा जान, ये तो बहुत बड़ी सहूलत है। जब उसका जादू मुझ पर नहीं चलेगा तो मैं उससे निपट लूँगी और उसे मार कर आऊँगी। उधर महल में रानी राजा पर चढ़ दौड़ी, वो बुरी तरह खिसिया रही थी। आपने बगैर सोचे समझे आधी सल्तनत इनाम में दे देने का ऐलान करवा दिया, ये बहुत बुरा हुआ। एकदम से आधी सल्तनत इनाम, भला ये भी कोई तुक है? अगर कोई सचमुच जादूगरनी को मार कर आ गया तो गोया आधी सल्तनत से हाथ धो बैठे। एक तो छोटी सी सल्तनत है, वो भी आधी होकर रह जाएगी। गरज आधी सल्तनत को लेकर रानी ने राजा को इतनी जली कटी सुनाई कि राजा को उसका सोग हो गया। सदमे के मारे उसे नींद नहीं आई और उसी रात वो अल्लाह को प्यारा हो गया। रानी और उसका लड़का यानी राजकुमार, ये दोनों सर पकड़ कर बैठ गए कि ये क्या हो गया। राजा के मरे कई दिन हो गए, तब भी रानी के मस्तक में आधी सल्तनत सवार थी। माँ को फिक्रमंद पाया तो राजकुमार रानी से कहने लगा, अम्मी हुजूर, मेरे दिमाग में एक ऐसा मंसूबा है जिससे सल्तनत बचाई जा सकती है। रानी ने बेटे की तरफ सवाल जन नजरों से देखा। राजकुमार कहने लगा, जादूगरनी तक कोई पहुँचे उससे पहले मैं ही क्यों ना पहुँच जाऊँ? अगर मैं सबसे पहले वहाँ जाता हूँ और उसे हलाक करके चला आता हूँ, फिर तो आधी सल्तनत किसी और को देने का सवाल ही नहीं उठता। राजकुमार ने बड़ी सादगी से अपना मंसूबा माँ के सामने ठोंक मारा, जिस पर रानी चिढ़ गई और चिढ़कर बोली, हाँ फिर क्यों नहीं? वो जादूगरनी तुम्हारे इंतज़ार में ही बैठी होगी कि आ रहे हो सुरखाब के शहजादे, जल्दी आके मुझे मार डाल और अपनी सल्तनत बचा ले जा। अम्मी हुजूर, आप कुछ भी कहें, सल्तनत बचाना तो है। इसके लिए मुझे जाने की इजाज़त दें। मैं उस जजीरे पर जाऊँगा, वहाँ पहुँचने के बाद जादूगरने से निपटने का कोई ना कोई रास्ता निकाल लूँगा। रानी ने थोड़ी हुज्जत की मगर फिर इजाज़त दे दी। दूसरे दिन शहजादा एक कश्ती लेकर जादूगरनी की तरफ रवाना हो गया। उससे पहले हकीम जी की लड़की बनफूल वहाँ पहुँच चुकी थी। उसे यकीन था कि जादूगरनी उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी, इसलिए वो बेखतर आगे बढ़ती गई। फिर उसने अपने आगे दूर पर एक दूसरी नौजवान लड़की को जाते हुए देखा। उसने अंदाज़ा कर लिया कि ये वही जादूगरनी होनी चाहिए। बस उसने हिम्मत करके उसे आवाज़ दे दी, अरे ओ नानी जान, भला तू किधर को जा रही? रुक जा ज़रा ओ बावली, देख मैं भी तेरे पीछे आ रही। हाँ साथ साथ में चलेंगे। जादूगरनी पलटी तो सही मगर बड़े गुस्से में थी। आए तू कौन है, कैसे आई कि तेरे आने की मुझे खबर नहीं हुई? मेरे जजीरे पर उतरने के बाद तो इंसान से हैवान क्यों ना बनी? तुझे ये कैसे मालूम हुआ कि मैं कोई नौजवान लड़की नहीं हूँ? तूने मुझे नानी कहकर पुकारा। आए जादूगरनी की बौखलाहट पर बनफूल ने इस तरह कहकहा लगाया जैसे देव या जिन डरावनी आवाज़ में हंसते हैं। अब इस पर से ही तू समझ ले कि मैं कितनी बड़ी जादूगरनी हूँ। मैं इसलिए तेरे जजीरे पर आई हूँ कि मुझे यहाँ के अंदर बाहर का सारा हाल मालूम हो गया है, मैं उससे फ़ायदा उठाऊँगी। अंदर बाहर की बात पर जादूगरनी और भी घबराई। गोया मैंने जिन राजाओं के ख़जाने जमा कर रखे हैं, इसे उन ख़जानों का भी हाल मालूम है। मैं तुझे मार डालूँगी मगर ख़जाने में से कुछ भी छूने न दूँगी, समझी? बड़ी आई है कहीं की। इसके बाद वो बनफूल की तरफ हाथ नचाकर कुछ मंत्र पढ़ने लगी। बनफूल कूद कर दूसरी सिमत में हो गई। जादूगरनी उस तरफ भी मुड़ी। बनफूल छलांग मारकर उसके तीसरी तरफ जब हुई तब वो अपना मंत्र रोक कर दाँत पीसने लगी। उस सिमत में गुंबद नुमा एक झरोका बना हुआ था। बनफूल ने जान लिया कि उस गुंबद के नीचे खजाने का दरवाज़ा होना चाहिए। वो दौड़ कर उस गुंबद के नीचे पहुंची। उसने हाथ उठाकर कूद फान मचाना और चिल्लाना शुरू कर दिया, हुर्रे मुझे तो खजाने का पता मिल गया, मिल गया। जादूगरनी का पारा आसमान पर, गुस्से के मारे वो बनफूल की तरफ दौड़ पड़ी। बीच में रस्सी का एक गुच्छा पड़ा हुआ था, वो उसमें अटक कर गिर पड़ी। बनफूल को मौका मिल गया, उसने छलांग लगाई और उसे छाप लिया, फिर उसी के रास्ते से उसे बांधने लगी। जादूगरनी भी ताकतवर थी मगर बनफूल की ताकत के आगे उसका जोर न चला। इसने उसके मुंह पर भी कपड़ा बांध दिया, फिर एक झटके के साथ उठे उसे उठाकर अपने कंधे पर लादा और लेकर चली।
वापसी पर वो जिस रास्ते से चली उस रास्ते पर एक जगह एक पिंजरा लटकता हुआ नजर आया जिसमें एक तोता कैद था। उसे देखकर वो बोल उठी, अरे ये तो हमारे मुल्क के शहजादे साहब हैं, इनका भला यहाँ क्या काम। उसने तोते का वो पिंजरा उतार लिया और उसे भी साथ लेकर चली। वो उस जादू नगरी के साहिल पर आई तो वहाँ शहजादे की कश्ती खड़ी थी, वो उस पर सवार हो गई। सफ़र करते करते जब वो अपने जजीरे के साहिल पर पहुँची तो वहाँ एक मेला सा लगा हुआ पाया। वहाँ उसके अब्बू यानी हकीम जी और शहजादे की माँ यानी रानी साहिबा अपने लाव लश्कर के साथ हाजिर थीं। कश्ती पर का सामान उतारा गया। वन फूल ने तोते का पिंजरा रानी के हवाले कर दिया, ये लीजिए ये रहे आपके सपूत शहजादे साहब, जादू नगरी में पहुँच कर तोता बन गए हैं। वनफूल की बात सुनकर वो तोते को हैरत से देखने लगी, फिर उसे पिंजरे से बाहर निकाल लिया। जादूगरनी के मुंह पर से कपड़ा हटाया गया तो वह हकीम जी से मिन्नत समाजत करने लगी और कहने लगी, हकीम साहब मुझे छोड़ दो, मैं शहजादे को इंसान की शक्ल में वापस ला दूंगी, उसके बाद यहाँ से चली जाऊँगी बहुत दूर सात समंदर पार अपनी उस्तानी के पास, फिर कभी तुम्हारे इलाके में कदम नहीं रखूँगी, वादा करती हूँ। कैसे जाएगी तू तेरी उस्तानी के पास? जादू से उड़कर जाऊंगी, तुम देखना। ठीक है मैं तुझे आज़ाद कर देता हूं, मुझे यकीन है कि तू अपना वादा पूरा करेगी। इतना कहकर हकीम जी ने कैंची उठाई और उसकी रस्सी कैंची से काटना शुरू की। आज़ाद हो जाने के बाद वो तोते की तरफ बढ़ी और उसे उठाकर आसमान की तरफ फेंका। वो तोता उड़कर ऊपर गया और फिर पर फड़फड़ाता हुआ ज़मीन पर आकर उतरा। जैसे ही उसके पैर ज़मीन पर टिके, पलक झपकते में वो शहजादे के रूप में वापस आ गया। ये लीजिए मैंने अपना वादा पूरा किया, अब मैं जाती हूँ। फिर लोगों ने देखा कि जादूगरनी आप ही आप ऊपर उठ रही है और ऊपर उठकर समुंदर की तरफ सफ़र करना शुरू कर दिया है जैसे वो कोई परिंदा हो। लेकिन उड़कर वो थोड़ी ही दूर गई थी कि यकायक समुंदर के पानी पर आ गिरी। देखने वालों को हैरत इस पर हुई कि वह डूबने की बजाय समुंदर के पानी पर धुआं बनकर छा गई, फिर वह धुआं भी रफ्ता रफ्ता गायब हो गया। उसके साथ ही लोगों ने देखा कि समुंदर में बहुत दूर पर धुएं के बादल उठ रहे हैं उधर जिधर उसका जजीरा था। रानी ने हैरत के मारे पूछ लिया कि ऐसा कैसे हुआ। हकीम जी ने बतलाया कि उसकी रस्सी काटते वक्त मैंने चुपके से उसकी चोटी काट डाली थी जिससे उसकी जादुई ताकत कमज़ोर पड़ गई थी और वो आखिरकार धुआं बनकर हलाक हो गई। उसके साथ ही उसकी जादू नगरी भी धुआं बनकर तबाह हो गई है। ज़रा देखो तो जाकर जादू नगरी की तबाही के साथ अपना ख़जाना भी वापस आया है क्या। हुकूमत के कुछ कारिंदे दौड़े गए और वापस आकर उन्होंने खबर दी कि सचमुच हमारा ख़जाना अपनी जगह पर वापस आ गया है। रानी ने लोगों को जश्न मनाने का इशारा किया, फिर खुद उठ खड़ी हुई और हकीम जी से उसने कहा, आप अपनी बेटी को लेकर ज़रा हमारे महल में तशरीफ़ ले चलिए। जब महल में पहुँचे तो रानी हकीम जी से कहने लगी, हकीम जी हमने आधी सल्तनत देने का वादा किया है सो तो हम पूरा करेंगे, अलबत्ता आप पसंद करें तो आपकी बेटी और हमारा बेटा। कहने का मतलब यह है कि हम उसे अपनी बहू बनाने के लिए तैयार हैं। रानी की इस पेशकश पर हकीम जी तो फूले नहीं समाए, लेकिन वन फूल फैल गई, झल्ला कर कहने लगी, ना बाबा ना, शहजादे साहब तो इतने बूढ़े हैं, एक जादूगरनी से नहीं निपट सके, मैं यह रिश्ता नहीं करूँगी। हकीम जी अपनी बेटी को अच्छी तरह पहचानते थे, वो समझ गए कि वन फूल ड्रामा कर रही है, रानी को अब भी सल्तनत बचाने की पड़ी थी। उसने वन फूल की तरफ से होने वाली हतक बर्दाश्त कर ली और कहने लगी, नहीं ना बेटी, जो हो गया सो हो गया, अब बार बार ऐसी आजमाइश थोड़े ही आने वाली है, ये तो सोचो मेरे पास तुम ही रानी बनकर राज करोगी। नहीं नहीं, हुकूमत के लिए मैं अपनी ज़िंदगी को दांव पर नहीं लगा सकती, अभी पूरी ज़िंदगी पड़ी है, फिर कभी ऐसा मामला पेश आया और ये कहीं भी जाकर मिट्ठू बन जाते रहे तो कैसे काम चलेगा। रानी अपनी होने वाली बहू को मनाने पर और बहू सास को सताने पर तरह तरह की तकरार होती रही। वन फूल ने रानी को सताने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आज ही जाकर रानी ने एक नया फैसला सुना दिया, बेटी
मैं तुम्हारी शादी और ताज पोशी दोनों एक साथ कर दूंगी। तुम्हारी शादी के साथ ही राजपाड़ भी तुम्हारे हवाले कर दूंगी। अब तो मान जाओ। वनफूल के तो मन ही मन में लड्डू फूटने लगे। हकीम जी ने बढ़कर उसके सर पर हाथ रख दिया। बेटी मान जा, बड़ों की बात रख ले। वनफूल ने सर झुका दिया, आंखों में आंसू भर लाई और धीमे धीमे उसने कहा, अब तो मैं मजबूर हो गई, मेरे अब्बू की बात नहीं काट सकती। और रानी साहिबा, अभी तक मैंने जो कुछ कहा उस पर आपसे माफ़ी मांगती हूँ। गरज इस तरह वो आधी सल्तनत का ड्रामा ख़त्म हुआ। रानी ने उठकर उसे गले लगा लिया। शहजादे के साथ उसकी शादी हो गई। सल्तनत दो टुकड़े होने से बच गई। रानी ने अपना वादा पूरा किया और वनफूल रानी बनकर राज करने लगी। अब्दुल मजीद मास्टर साहब ने अपनी तख्लीक पेश की, आधी सल्तनत का किस्सा, जो साहब अपने ख्यालात तनकीद या तफसीरा करना चाहें तो यहाँ तशरीफ़ ला सकते। इस खूबसूरत कहानी पर मैं जनाब मोहतरम सर को दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। ना सिर्फ इस कहानी पर बल्कि हर माह पाबंदी के साथ अपनी कहानियाँ पेश करने पर। इस कहानी में दिलचस्प बात यह है कि एक मामूली सी लड़की हकीम साहब की अपनी हिकमत अमली से सल्तनत की मालिक बन जाती है और राजा की बीवी बन जाती है। काफ़ी दिलचस्प कहानी है। अब्दुल मजीद मास्टर साहब ने रिवायत के मुताबिक अपनी पहली तकलीफ यहाँ पर पेश की, मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। एक उसमें मुझको थोड़ा सा एक जो चीज़ नहीं समझ में आई वो ये कि शहज़ादा, एक मुल्क का शहज़ादा जो है वो जादूगरनी के इलाके में तोता बन के पिंजरे में कैद हो जाता है और यहाँ पर उसके ताल्लुक से किसी को कुछ मालूम नहीं रहता। फिर वो जब जाती है तो वो लेकर आती है, छुड़ाती है और बताती है। ज़रा सा वो अधूरापन जैसा महसूस हुआ मुझको, तो शायद मैं आगे का उससे पहले का सुन नहीं सका क्या कि शायद वो अधूरापन लग रहा है वहाँ पर कि शहज़ादा जो है वो तोता बन के वहाँ पर कैद है और यहाँ किसी को खबर ही नहीं है। ऐसा कहानी में जो तजस्सुस है वो आखिर तक के बरकरार रहता है। यानी कहानी इस लेवल से है कि बच्चों को बांध सकती है, तो ये खूबसूरत कहानी है और इसके ऊपर मैं मास्टर साहब से बात करूँ। वो एक मिनट सर, सर बता। हाँ बिल्कुल आया, क्या बोला? वो आए नहीं हैं। एक शख्स उसने मुझसे ना कहानी के बारे में बीच में पूछा, मैंने उसको उसका छोटा छोटा बता दिया कि ऐसा ऐसा मुख्तसर है। तो उसने एक तबसरा इससे पहले किया, वो ये कि राजा ने ऐलान किया कि आधी सल्तनत उसके हवाले की जाएगी जो इस मुसीबत से निजात दिला देगा हमें, है ना। तो रानी और राजकुमार बेहद परेशान हैं, लेकिन वो राजा की उस बात को पाल रहे हैं जो मर गया। इसको अकदार की तालीम कहते हैं। वो चाहते तो ये बोल सकते थे कि भाई वो मर गए जो ऐलान किए थे, अब वो आधी सल्तनत की बात ख़त्म होती है, हम दूसरा कोई इनाम आपको दे सकते हैं। लेकिन इसमें ये बतलाया गया है कि कितने अखलाक ऊंचे थे लोगों के परेशान हाल हैं, दुनिया भर की सह रहे हैं और उसके बाद में राजा जो बोल के चला गया है। रानी कहती है हमने आपको आधी सल्तनत देने का वादा किया है, सो तो हम पूरा करेंगे। रानी कह रही है जबकि वो राजा कह कर गया है। ये मैं नहीं बोलने वाला था, लेकिन बच्चों को आपने कहानी नहीं सुनाई है, बड़ों को सुनाई है।
और अगर कहानी सुनाने के बाद भी वजाहत करनी पड़े तो आपको कहानी फिर से लिखनी चाहिए। शुक्रिया। नहीं, हर बार आप जवाब देंगे आगे, हर बार आप वजाहत करेंगे आगे, ये तरीका नहीं है नशिस्ते का। आपको मैं तरीका बताऊँ, ये बात मुनासिब नहीं है। ये हम लोग कहानी से समझ गए, वही बात है। अब आप आकर उसकी वजाहत करेंगे तो वो नुक्ता एक शख्स ने पेश किया था, वो नुक्ता मैंने पेश किया। ठीक सर। हाँ, मास्टर साहब अगर वो वजाहत या वो एक कमेंट था वो नहीं करते तो बात यहीं पर ख़त्म हो जाती। मैं खुद भी उस अपनी बात को रोक, कहानी जो है सब कुछ अपनी जगह, लेकिन कहानी जब आप अकदार की तालीम दे रहे हैं तो उससे एक तालीम और भी मिलती है कि वो कहानी के अंदर जो है वो जो सल्तनत, यानी वो कहानी फीमेल डोमिनेंसी की तरफ जाती है कि औरतें गालिब हैं। बादशाह खाली वो रानी के बोलने पर मर गया, शहजादा गया तो परिंदा भर लिया, यानी वहाँ मर्दों की कोई चलती नहीं है। तो फीमेल डोमिनेंसी की वो हिमायत करती है कहानी, वो उसका एक उसकी तालीम का एक दूसरा रुख ये भी निकलता है उससे। तो आप उसके ताल्लुक से भी ज़रा गौर कर लें कि हमको कौन सा समाज चाहिए। अब मैं अदारे के नायब सदर मोहतरम डॉक्टर इकबाल बरकी साहब को आवाज़ दे रहा हूँ कि वो आएँ और अपनी तख्लीक पेश करें। 55, 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद मफाद आम्मा का आलम बरदार। ज़रूर सब्सक्राइब करें, ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल, रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिल्ली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फ़न्नी, माशी, तजारती, माशरती, इंतज़ामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल। ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल।